बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें टू कलर यूज़ करूँगी। हुक इस्तेमाल करूँगी 2.25 mm की। कटिंग के लिए सीज़र यूज़ करेंगे। आइए तो न्यू डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले रिंग बनाऊँगी। हमारी मैजिक रिंग तैयार हो गई है। इस पे लगाऊंगी 12 डबल क्रोशे। वन चेन मौजूद है, 2, 3 चेन बना ली हैं। हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम डोरी खींच लेंगे। डोरी खींचने के बाद यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी, 1, 2, 3, इसके टॉप पे जोड़ दूंगी और यहाँ हमारा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारी छोटी सी बेस भी बन गई है। यहीं से हम नया राउंड स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 3 चेन लगाई है। इसी गैप में लगाऊंगी यहाँ पे 2 हो गए डबल क्रोशे। हर गैप में 2 डबल क्रोशे लगाऊंगी। यहाँ पे 12 लगे हैं और इसके ऊपर 24 लग जाएंगे। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ 3 चेन बनी हुई हैं, इसके ऊपर जोड़ दूंगी, टॉप पे जोड़ दी है। हमारे पास 24 डबल क्रोशे इस राउंड 2 में, 24 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे राउंड 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 लगाऊंगी, 1 चेन बनाऊंगी, 1 क्रोशे मिस करूंगी, 2 पे लगाऊंगी। और इस पे 2 डबल क्रोशे लगाऊंगी। 1 चेन का गैप दूंगी। वन चेन, 1 क्रोशे मिस किया, 2 में लगाया। ये डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो रहा है। 1 चेन, 1 क्रोशे मिस किया, 2 पे लगा दिया, 2 डबल क्रोशे। वन चेन, 1 क्रोशे मिस, 2 में 2 डबल क्रोशे लगा दिए। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी और मैं आपको कुछ समझाऊंगी भी। यहीं से स्टार्ट लेते हैं। 3 चेन, 1 क्रोशे, तो 3 चेन को ही काउंट करेंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे और लगा दिए हैं। यहाँ पे 3 हो गए हैं। यहाँ 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, इसमें 2 लगाऊंगी। टोटल 3 हो गए हैं। ये देखें, अब मैं आपको समझाना ये चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं लगाऊंगी 7 राउंड। 1 राउंड हो गया है, 2 राउंड स्टार्ट कर लिया है और इसके बाद इसके साथ 7 राउंड
लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे चेन वन मेंटेन रहेगी जहाँ तक हमारा डिज़ाइन जाएगा। वन चेन बनाती रहूँगी, साइड से वन डबल क्रोशे बढ़ता रहेगा। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने 12 डिज़ाइन बनाए हैं। ये 12 डिज़ाइन हर राउंड में 12 क्रोशे बढ़ते जाएंगे, 12 डबल क्रोशे बढ़ते जाएंगे और हमारा राउंड बाय राउंड ये डिज़ाइन बढ़ता जाएगा। 7 राउंड इसके मैं लगाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी, उसके ऊपर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो फिर आपको सिखाऊंगी। अब ये रिपीट है, बार बार दिखाने से आप भी डिस्टर्ब होंगे और मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, लिहाजा मैं अभी आपको इसके 7 राउंड लगाने के बाद फिर ऊपर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। मिलती हूँ 7 राउंड के बाद इनके साथ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड कंप्लीट हो गए। 6 राउंड 1 2 3 4 5 6 6 राउंड वन चेन के साथ लगाए हैं और 7 राउंड भराई वाला लगाया है। यहाँ पे चेन नहीं बनाई, इसके ऊपर अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी वूल यहीं कट कर देंगे और इसके बाद सेकंड कलर इस पर यूज़ करेंगे। यहाँ से हम सेकंड कलर यूज़ करेंगे। थ्री डबल क्रोश लगाऊंगी, थ्री टाइम लगा लिए हैं। ये देखें यहीं पे एक साथ बंद कर दिए हैं। 1 2 3 चैन, थ्री चैन के बाद 1 2 मिस करूंगी, थ्री पे लगाऊंगी। वन टू थ्री एक साथ बंद कर दिए, यहाँ थ्री चैन बनाऊंगी। 1 2 3 चैन, 1 2 क्रोशे मिस करूंगी, थ्री पे लगाऊंगी, थ्री डबल क्रोशे। वन टू थ्री चैन, 1 2 मिस किए, थ्री पे लगा दिया। 7 कंडीशन से ये राउंड लगाऊंगी। वन टू थ्री, 1 2 मिस किए, थ्री में लगा दिया। डबल क्रोशे लगा रही हूँ थ्री टाइम्स, थ्री चेन के साथ। 1 राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैं एंड तक आ गई हूँ। थ्री चेन बनाई हुई है, थ्री डबल क्रोशे, सेम कंडीशन से पूरा राउंड दिया है। 1 2 3 चैन, यहाँ भी गैप में 2 रह गए हैं और यहाँ पे इसको मैं जोड़ दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहीं पे हम इसको चेन लगा के हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया है। अब इसके ऊपर ये देखें बेहतरीन राउंड आया है इस पे। अब हम यहीं से वाइट स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया है और यहीं से हम वाइट स्टार्ट ले रहे हैं। 3 डबल क्रोशे, एक साथ बंद करूँगी। ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशे, एक साथ बंद कर दिए। 1, 2, 3, 4 चैन, 4 चैन के साथ ये राउंड जाएगा। वन टू थ्री फोर चैन, इस राउंड में 3 चैन बनाई थी, इस राउंड में 4 चैन बना रही हूँ। क्रोशे अपनी जगह पे मौजूद है, 3 डबल क्रोशे एक साथ बंद कर देती हूँ। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर चैन। अब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हमारा ये राउंड हो गया मैं मरून का। अब मैं 3 राउंड लगाऊंगी वाइट के। अगर ज़रूरत पड़ी तो 4 राउंड कर दूंगी। जितना बड़ा बनाना चाहूँ बना सकती हूँ। 3 राउंड आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी, वो आपको सिखाऊंगी। ये रिपीट हैं, 4 चैन 3 डबल क्रोशे। ये मैं लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। हमने इस साइड पे ये कलर जो हमने यहाँ पे रोका था, यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमने वाइट लगाया। 3 राउंड यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे 4 चैन लगा ली हैं और यहाँ इसके टॉप पे जोड़ दूंगी। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस कलर को यूज़ करना शुरू करेंगे। ये टोटल 4 राउंड हो गए हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम मरून को यहाँ से स्टार्ट लेंगे, वाइट को यहाँ रोक देंगे। काउंटिंग करूंगी यहाँ पे कितनी चैन बनी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चैन बनाऊंगी और यहाँ पे लगाऊंगी इसके टॉप पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 चैन के बाद यहाँ पे लगा दूंगी। इस तरह ये चैन राउंड कंप्लीट करूंगी, 8 चैन लगाऊंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 चैन के बाद यहाँ पे हमने जहाँ पे बंद किया था 3 डबल क्रोशे को, इसकी टॉप पे लगाती हूँ। ये देखें, इस तरह मैं ये सारा चैन राउंड बनाऊंगी। ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, चैन राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब यहीं से ये आखिरी है, यहाँ पे बनाऊंगी 4 चैन। 1, 2, 3 4 चैन बनाने के बाद यहाँ 1st चैन में जोड़ूंगी।
ये देखें, इसके साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब फिर 8 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन के बाद इसको भी साथ रखूंगी और साथ में यहाँ जो अटैच करती हूँ इसको, जो हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे उनको यहाँ पे बंद किया था। यहाँ पे ये देखें, इसके साथ जोड़ लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लगाई है। अब यहाँ पे आ गए हैं, ये देखें, इस तरह यकीनन आपको समझ आ गई होगी। फिर बना के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन, 8 चेन बनाई है। ये देखें, यहाँ पे 8 चेन बनाई थी, इसके टॉप पे जोड़ा है, हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ, फिर 8 चेन है, ये भी चेन राउंड ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखें, यहाँ इसके टॉप पे जोड़ दिया, ये देखें, इस तरह हमारी ये जाली बनती जाएगी। फर्स्ट राउंड जाली का गया और अब जोड़ने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। इसके साथ अटैच करती जाती हूँ, ये देखें, यहाँ पे इसके टॉप पे जोड़ती हूँ, यहाँ पे जोड़ लिए हैं, 1 1 2 3 4 5 5 मैंने जोड़ के आपको दिखा दिए हैं। इसी तरह फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसी तरह बना के मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने 4 चेन बना ली हैं और यहाँ पे अटैच करूँगी। यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये सारा हमने सेम कंडीशन से जोड़ा है और यहाँ पे अब मैं फिर सेम कंडीशन से ही बनाऊँगी। ये देखें, यहाँ पे जोड़ दूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लगाऊँगी और फिर यहाँ चेन भी उठाऊँगी और इसको भी यहाँ पे अटैच कर दूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखें, यहाँ पे ये देखें, 1 2 3 अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ हमने राउंड 3 स्टार्ट कर लिया है, 1 2 3 राउंड 3 कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। सेम कंडीशन से बन रहा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना बनाया है। ये राउंड कंप्लीट करके फिर ऊपर बनाना सिखाऊंगी। व्यूअर्स, हमारा राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने 4 चेन बना ली है, अब आपको यहाँ जोड़ना भी सिखाऊंगी। देखिए, 1 2 3 4 4 चेन हो गए हैं। अब हम इसके साथ जोड़ देंगे जो हमने हाफ क्रोश लगाया था, यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोश लगाएंगे। ये देखें, इस तरह हमारे राउंड 3 वाइट के थे। राउंड 3 हमारे जाली वाले यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम इसका
नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने जोड़ा हुआ है, यहीं से हम इसके टॉप पे लगाएंगे इसको। यहाँ लगाने के बाद ये देखें, ये हमने यहाँ पे जोड़ लिया है और यहाँ गैप रह गया है। ये गैप जो है डबल क्रोशे लगाऊंगी, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, वन टू थ्री, थ्री ट्रिपल क्रोशे लगा लिए, वन डबल क्रोशे उस साइड पे लगाया था, वन डबल क्रोशे इस साइड पे लगा दिया है, वन चेन बनाई है। यहाँ से उठाऊंगी और फिर यहीं पे लगा के यहाँ पे इसको बंद कर दूंगी। ये देखें अब हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे पूरा हो रहा है। आप पे डिपेंड करता है, आपको जितना ज़्यादा बड़ा बॉर्डर बनाना है अपने थाल पोश का, उसको आप उतने ही राउंड ज़्यादा दे सकते हैं वाइट के। उसमें सिर्फ इजाफा ये करना होगा कि मैंने फोर चेन से ये सारा जितना भी यहाँ बॉर्डर बनाया है, आपने फोर के बाद थ्री, वन टू थ्री राउंड के बाद आपने फोर चेन से फिर फाइव चेन कर लेनी है, क्योंकि फिर इसमें खिंचाव आ जाता है। फाइव चेन से आप फिर थ्री राउंड मज़ीद लगा सकते हैं। अब मैं आपको यही बनाना सिखाती हूँ, बड़ा करना सिखा दिया। वन चेन, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे वन, ट्रिपल क्रोशे टू, ट्रिपल क्रोशे थ्री, वन डबल क्रोशे, वन चेन। यहाँ पे ये चेन भी उठा ली मैंने और यहाँ पे इस तरह हाफ क्रोशे से जोड़ लिया। ये देखें सेम कंडीशन से बनेगा, इसी तरह बनाती जाऊंगी। वन चेन बनाई इस गैप में, वन डबल क्रोशे लगाया है, थ्री ट्रिपल क्रोशे लगाऊंगी, थ्री ट्रिपल क्रोशे के बाद फिर वन डबल क्रोशे, फिर वन चेन, फिर जोड़ दिया जाएगा। थ्री ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं यहाँ पे, वन डबल क्रोशे, वन चेन, और यहाँ पे हमने ये चेन उठाई और साथ में यहाँ पे इसके टॉप पे लगा दिया। यहाँ पे हमने बंद किया हुआ है, यहाँ पे ये देख, अब हमारे थ्री हो गए हैं डिज़ाइन। यहाँ तक मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बहुत आराम से और बहुत सुकून से आप बना लेंगे। कोई भी मसला होता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको समझा दूँगी। अब मैं इसका राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूअर, हमारा राउंड कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आखिरी यहाँ पे बनाऊँगी, वन चेन बना ली है डबल क्रोशे, थ्री ट्रिपल क्रोशे, वन टू थ्री, वन डबल क्रोशे लगाया है, वन चेन बनाऊंगी और यहाँ पे जोड़ दूंगी। यहाँ पे हमारा राउंड भी कंप्लीट हो गया और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। ये देख, पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, बहुत खूबसूरत बना है। यकीनन आपको पसंद आएगा। ये हमारा जाली वाला राउंड बना और यहाँ पे भराई वाला। यहाँ पे हमने लगाए वन चेन
वन डबल क्रोशे, थ्री ट्रिपल क्रोशे, फिर वन डबल क्रोशे लगाने के बाद वन चेन बनाई है और हाफ क्रोशे से यहाँ जोड़ दिया है। जैसे हमने यहाँ पे चेन को जोड़ा था, इसी तरह हमने यहाँ भी इसको जोड़ा है, यहाँ पे अटैच कर दिया और इस तरह हमारा डिज़ाइन यहाँ पे पूरा हो गया। वूल कट करके फिर आगे कौन सा डिज़ाइन बनाऊंगी ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने जिगजैग लेस स्टार्ट की है। अब आपको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे मैं वन चेन बनाऊंगी और इसके सिंगल पे लगाती हूँ। ये देखें, दोनों को नहीं उठाती, दोनों धागों को नहीं उठाती, सिंगल पे उठाती हूँ। वन चेन हाफ क्रोशे से जोड़ती हूँ। ये देख, यहाँ सेंटर में लगा लिया हाफ क्रोशे, फिर यहीं से हमने स्टार्ट ले लिया वन चेन, हर चेन के ऊपर लगा रही हूँ वन चेन। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी जिगजैग लेस बनती है। वन चेन बनाती हूँ, वन क्रोशे पर लगाती हूँ और ये सामने की डोरी को बचा के रखती हूँ। ये डोरी अच्छी लगती है, डिज़ाइन पे बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखें, सारे डिज़ाइन पे इसी तरह जिगजैग लेस बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, हमारी लेस कंप्लीट हो गई और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। बहुत खूबसूरत बना है, आप ज़रूर बनाइए, कलर अपनी मर्जी के लगाएं। मैंने आपको लेस जैसे बनानी सिखाई। पहले तो हमने यहाँ पे भराई वाले डिज़ाइन बनाया, उसके ऊपर हमने जिगजैग लेस बनाई है और ये बहुत खूबसूरत लगती है और इस पर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रही है। आप ज़रूर बनाएं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ कि ये कितने इंच में तैयार हुआ है। ये हमने सेंटर में रखा है, ये तकरीबन 12 इंच में तैयार हुआ है हमारा डिज़ाइन। इस पे वूल 80 ग्राम्स वूल इस पे खर्च हुई है क्योंकि ये पूरा भराई वाला है। इसमें यहाँ पे डबल बना है और बहुत खूबसूरत बना है। आप ज़रूर बनाइए, कलर अपनी मर्जी के लगाइए। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।